चेलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस हवेली अल फशा से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों की जानिब रवान दवाएं। जुलूस में आजादारों की कसीर तादाद मौजूद है। 4,000 से जायद पुलिस के अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर कासिम अली इस वक्त मौजूद हैं जुलूस में, मजीद इनसे जानते हैं। जी कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौची दरवाजा के बाहर हवेली अलफ्ता से चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्की जुलूस बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर करदा रास्तों में दबा दबा है। तो अगर बात की जाए जुलूस के हमराह सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पंजाब रेंजर्स के दस्ते भी जो है वो जुलूस के हमराह है। जबकि जुलूस हवेली अलफ्ता से आज सुबह बरामद हुआ था और बरामद होने के बाद अंदरून मौची दरवाजा से होता हुआ जो है वो शाम को मस्जिद वजीर खान पहुंचेगा। मस्जिद वजीर खान से सुनहरी मस्जिद पहुंचेगा। सुनहरी मस्जिद से पानी वाला तालाब चक्काली गेट से होता हुआ हकीमा वाला बाजार पहुंचेगा और हकीमा वाला बाजार से रात 12 बजे जो है वो बरून भाटी गेट करबला जामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। तो इस हवाले से खसूसी कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के ऑफिस में। तो सिक्योरिटी का जो है वो बराह रास्त मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि सीसीटीवी के कैमरों की मदद से जो है वो देखा जा रहा है जुलूस को। जबकि मेरे पीछे अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त जो हादिया स्पॉक के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और हर आने जाने वाले जो जायरीन हैं अजादार हैं उनको मुकम्मल तलाशी लेने के बाद जो है वो अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। इसी तरह लाहौर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हैवियस कोर्ट के साथ यहाँ पर जो है वो तावन करते हुए अजादारा को जो है अंदर दाखिल किया जा रहा है। तो इस तरह अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये 3 मकाम से जो है वो चेकिंग करने के बाद अजादार जब यहाँ पहुंचते तो यहाँ से फिर अंदरून चार शुरू हो जाता है, अंदरून मोची दरवाजा। तो मोची दरवाजे के अंदर इस वक्त ज्यारत जो है वो मौजूद है। ताजिया का जुलूस जो कि हवेली अलग से बरामद हुआ था और जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ रात को करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 अजादारों को तिबी इमदाद देने के लिए जो है वो मौके में मौजूद है। इसके अलावा फील्ड अस्पताल भी जो है जुलूस के रास्तों में कायम किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए स्पेशल ब्रांच के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कासिम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। 7